हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो हमारा रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं उसका सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर कितना होता है। बहुत सारे फ्रेंड लोग का रिक्वेस्ट था कि इस पर एक वीडियो बनाइए। ऐसे हमने एक प्रेशर टेम्परेचर चार्ट के जरिए सभी रेफ्रिजरेंट का आप सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका ऑलरेडी एक हमने वीडियो अपलोड किया, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको हम डाल देंगे। लेकिन स्पेशल करके कुछ रेफ्रिजरेंट का हम सक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर आपको हम यहां पर बताने वाले हैं। और उसमें क्या है कि जैसे जो भी हमारा प्रेशर रेफ्रिजरेंट सिस्टम में शो करता है वो टेम्परेचर के हिसाब से प्रेशर शो करता है। तो ज्यादा बेहतर होगा कि प्रेशर टेम्परेचर चार्ट को देखते हुए उसके हिसाब से आप प्रेशर को फाइंड आउट करें तो आपको इजी मालूम चलेगा। और वो अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप कोई भी रेफ्रिजरेंट का मतलब आपको सबका रेफ्रिजरेंट का सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर याद करने की आपको जरूरत नहीं है। बस उसको क्या कहते हैं आप देख लें कि कैसे निकालना। जैसे इंडोर यूनिट का क्वाइल टेम्परेचर कितना होता है उस हिसाब से सक्शन प्रेशर शो होता है। आउटडोर यूनिट का जो है अपना जो कंडेंसर का क्वाइल टेम्परेचर कितना होता है उसके हिसाब से कंडेंसर का टेम्परेचर शो होता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे टेक्नीशियन लोग हैं कि सब लोग डिफरेंस डिफरेंस वैल्यू बताते हैं। तो बहुत सारे लोग जो नए टेक्नीशियन इस फील्ड में आए हुए हैं उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर बात क्या है, कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है प्रॉब्लम। तो आपको मैं आज वो भी क्लियर कर दूंगा, वो भी गलत नहीं है अपने जगह पे, वो भी सही है और आप भी आपका भी सोचना सही है, ठीक है। लेकिन वो ऐसा क्यों है वो हम आपको बताने वाले हैं। बेसिकली क्या है ये हमारा जैसा पूरे टेम्परेचर पे ये एक हम क्या कहते हैं रेफ्रिजरेंट का पूरा फुल डिटेल्स हम आपको क्लियर समझा देंगे क्यों है स्टेटस ऐसा, क्यों है स्टैंडिंग प्रेशर, क्यों है बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है, पूरा एक क्या एक्सप्लेन कर देंगे। अदरवाइज अब सबका नोट कर लेंगे कितना सेक्शन और डिस्चार्ज होता है, बेहतर रहेगा सबका वही चीज है। हाँ, 35 से 45 या 10 का या 5 PSIG का डिफरेंस इसलिए रखा जाता है कि जब विंटर का टाइम और समर का टाइम दोनों टेम्परेचर जो है आउटसाइड का जो है एटमोस्फेयर का टेम्परेचर जो है डिफरेंस वैल्यू से होता है टेम्परेचर का जो है। मान लीजिए ठंडा का टाइम अगर मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेंटीग्रेड आउटसाइड का टेम्परेचर है तो वही गर्मी के टाइम जो है समर के टाइम जो हमारा कितना हो जाता है लगभग 40-45। तो उस टाइम का वैल्यू थोड़ा सा कंडेंसिंग यूनिट का आपका कंडेंसर का टेम्परेचर थोड़ा सा अलग दिखाने लगता है, तो थोड़ा सा इफेक्ट इंडोर कॉइल पे भी पड़ता है। तो इस तरह से हमारा जो है रेफ्रिजरेंट का हम लोग ये प्रोसेस डालते हैं। कभी भी इस तरह से अगर आप देखें इसके बीच में होना चाहिए 35 to 45 के PSI के बीच में होना चाहिए। इन बिटवीन आपका जो भी चल रहा है 36-37 है 38 है 40 है जो भी है तो दैट्स ओके फाइन है। और ये जो 12 से 15 PSI देख रहे हैं ये लोअर टेम्परेचर पर क्या कहते हैं। देखिए अभी यहाँ पे सेम आ गया ना, अभी जैसे आपके पास फ्रिज है तो फ्रिज का टेम्परेचर आपको मालूम है ना कितना ज्यादा डाउन रखते हैं। फ्रिज का टेम्परेचर हम लोग बहुत ज्यादा डाउन में रखते हैं क्योंकि उसमें सब सब्जी वगैरह जो भी चीज मटेरियल है उसके रखा जाता है खाने पीने का सामान, इसलिए हम लोग उसका क्या है टेम्परेचर डाउन रहता है कॉइल का। इसके लिए उसका प्रेशर जो है हमारा बहुत कम दिखाएगा, 12 से 15 PSIG उसका हम लोग गैस चार्ज करते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा क्या कहते हैं डिस्चार्ज प्रेशर 100 से 150 PSI के बीच में है। इसमें क्या है कि वाटर कूल्ड जब चीलर रहता है ना, वाटर कूल्ड चीलर में देखे होंगे कि उसका थोड़ा टेम्परेचर एक हम लोग सीमित वाटर का टेम्परेचर दे देते हैं जिसके चलते एक डिस्चार्ज प्रेशर लिमिट वैल्यू मिलता है। लेकिन जब एयर कूल्ड अगर वही क्या कहते हैं चीलर आपका रहता है तो उस टाइम आपको टेम्परेचर थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा देखने को मिल सकता है, 150 प्लस भी हो सकता है जब आउटसाइड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा तो। उसका जो रेफ्रिजरेंट है ना वो हमारा एयर से क्या कहते हैं कंडेंस होकर के वेपर से लिक्विड बदलता है। तो वो हो गया प्रोसेस। अब स्टैंडिंग प्रेशर जो है ये 85 से 90 PSI क्यों है, ये आपको ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। अगर ठंडा के टाइम में अगर ठंडा एरिया में ले जाके आप स्टैंडिंग प्रेशर चेक करते हैं रेफ्रिजरेंट का तो उस टाइम जो है इसका जो प्रेशर है ना वो डाउन हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर में प्रेशर शो करता है आपको मालूम होना चाहिए। तो आइडियल प्रेशर ही स्टैंडिंग प्रेशर मतलब कि एक एटमोस्फेयर में सराउंडिंग एरिया में आप रेफ्रिजरेंट को रखे हुए हैं या चीलर बंद चीलर जो है जो चीलर बंद रहता है सिस्टम बंद होने के बाद जो हम लोग रेफ्रिजरेंट का प्रेशर चेक करते हैं वो स्टैंडिंग प्रेशर कहलाता है, आइडियल प्रेशर। वो रनिंग कंडीशन में उसका जो प्रेशर रहेगा उसका वैल्यू दिखाएगा, मतलब सक्शन का वैल्यू दिखाएगा डिस्चार्ज का वैल्यू दिखाएगा। तो रनिंग में आइडियल प्रेशर चेक नहीं होता। आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आइडियल प्रेशर हम लोग कैसे चेक करते हैं तो बंद कंडीशन में हम लोग यूनिट का आइडियल प्रेशर चेक करते हैं। ये हो गया तो बंद कंडीशन में आइडियल प्रेशर एक नियर अबाउट इतना होता है लेकिन वो टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ा अप ज्यादा हो जाएगा। जैसे भी मेरे पास प्रेशर टेम्परेचर चार्ट है तो इसमें हमने देखा कि जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है उस तरह से प्रेशर बढ़ रहा है। ये लगभग क्या कहते हैं 28 के आसपास 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो है ये प्रेशर को दर्शाया गया है
समझ गए 80 to 90 PSI ऐसे सिलेंडर पर लिखा रहता है। अगर उसी तरह से अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, अभी देखिए 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या दिखा रहा है 126 PSI जी। तो अगर मान लीजिए आउटसाइड गर्मी के टाइम में आप बाहर गए चीजर के पास और 134 गैस डाला हुआ है, आप उसका स्टैंडिंग प्रेशर आपको निकाला, डेड प्रेशर कौन सा फिर इसमें डाला हुआ है, अब आउटसाइड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा तो आपका प्रेशर ज्यादा दिखाएगा, अब उस टाइम आप कंफ्यूज जाएंगे कि यार आइडियल प्रेशर इसका 80 से 90 होता है, अभी 120 दिखा रहा है, 126 दिखा रहा है, क्या है इसमें नॉन कंडेंसेबल गैस तो नहीं है। तो नहीं, वैसा नहीं। एक अच्छा टेक्नीशियन का पहचान क्या है कि वो कभी भी फुल प्रोसीजर से काम करता है। प्रेशर टेम्परेचर चार्ट देखें, टेम्परेचर को पहले मेजर करें, उसके बाद टेम्परेचर के हिसाब से प्रेशर को आप फाइंड आउट करें कि ये सही दिखा रहा है या गलत दिखा रहा है। हर रेफ्रिजरेंट का अपना प्रेशर, अपना टेम्परेचर पे प्रेशर अलग शो होता है, ये चीज आपको माइंड में रखना होगा। अब ये बॉइलिंग पॉइंट का क्या महत्व है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा डाउन है उतना ज्यादा उसको अच्छा रेफ्रिजरेंट माना जाता है। उससे क्या होता है कि हमारा जो रूम का कूलिंग जो कंडेंस होने के लिए जो वेपर बनने के लिए जो रहता है ना, एवोपरेटर में हमारा रेफ्रिजरेंट लिक्विड से वेपर बनता है आसपास की हीट को लेकर गर्मी को अब्जॉर्ब करके, और वो वेपर बन जाता है जो हमें कंप्रेसर को वेपर चाहिए। तो जितना मतलब कम टेम्परेचर में वो वेपर बन जाएगा उतना सिस्टम के लिए हमारा अच्छा है। तो ये जो है 26 डिग्री सेंटीग्रेड में ये हमारा वेपर बन जाता है रेफ्रिजरेंट 134 है, जो यहाँ पे आपको -41 दिखा रहा है 822 का। तो इसी तरह से क्या है कि अभी इंडोर कॉइल में क्या कहते हैं कितना टेम्परेचर मिलता है आसपास, सराउंडिंग टेम्परेचर कितना एयर कंडीशन रूम में मिलता है 20-25 के बीच में, इसको बॉयल होने के लिए कितना चाहिए 26 चाहिए 134 का, तो बहुत इजी बॉयल हो सकता है, समझ गए ना। लेकिन अगर यही टेम्परेचर क्या कहते हैं मान लो प्लस में रहेगा तो आपका ऑलरेडी रूम का टेम्परेचर 25 है, 25 में रेफ्रिजरेंट बॉयल करेगा तो वो फिर पॉसिबल नहीं है, वो बॉयल ही नहीं होगा रेफ्रिजरेंट, वैसे ही चलते रहेगा, समझ गया ना। जैसे हर रेफ्रिजरेंट का एक बॉइलिंग पॉइंट है, पानी भी है तो अपना 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वो बॉइल करता है, उसी तरह से सबका बॉइलिंग पॉइंट इधर में डाल दिए हैं। तो ये प्रेशर है ये फ्रिज के लिए, एक हमारा 404 है, हम लोग क्या है कि अपना ये हाईर टेम्परेचर में तो यूज करते ही एयर कंडीशन सिस्टम में, दूसरा लोअर में भी यूज करते हैं, तो उसका 35 PSI जी मैंने मेंशन किया, कोल्ड रूम वगैरह में 404 आप लोग देखा हुआ यूज होता है, तो उसमें जो है ना प्रेशर अपना एसी का एयर कंडीशन बाहर हाईर टेम्परेचर के हिसाब से चार्ज नहीं करने का, उसको है 35 PSI चार्ज करना है। वो क्यों, उसका जो है इंडोर यूनिट का कूलिंग जो है कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन रहता है, 5 डिग्री 6 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग उसका ये करते हैं रूम का टेम्परेचर देते हैं, जो कि हम लोग एयर कंडीशन सिस्टम में 20-25 के आसपास देते हैं, हो सकता है इसमें माइनस में भी देते हैं, हम लोग माइनस में अपना टेम्परेचर देना पड़ता है, अगर मछली है और मीट वगैरह है ये सब रखने के लिए हम लोग माइनस में टेम्परेचर देते हैं, तो इसलिए हम लोग इसका प्रेशर अलग रखते हैं, डाउन रखते हैं। तो सबका है रेफ्रिजरेंट का, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सबका ये याद रख लें भी क्या है कि ये प्रेशर तो आपने देख लिया, ठीक है, अब इस हिसाब से प्रेशर मेंटेन करना है। लेकिन अगर आपको रेफ्रिजरेंट को टॉपअप करना है एयर कंडीशन सिस्टम में, मान लीजिए अगर आपका कोई कंप्लेंट आया कि हमारा रूम कूलिंग नहीं करा, आप जा करके देखें और देख रहे हैं, तो मान लीजिए 22 रेफ्रिजरेंट डाला हुआ, उसमें प्रेशर आपको क्या करना 35 दिखा रहा है, ठीक है ना, 45 दिखा रहा है, आपने फटाक से लगाया गैस चार्ज कर दिया, ऐसा नहीं करना है। हो सकता है अगर उसका इंडोर कॉइल पे अगर बहुत ज्यादा आइस आया रहेगा, समझ गए, उस सिचुएशन में भी आपका जो है लो प्रेशर जो है सक्शन प्रेशर बहुत ज्यादा डाउन दिखाएगा। तो कभी भी हमें सिस्टम को गैस कब चार्ज करना है, उस यूनिट को आप पहले बंद कर दें, तो 4-6 घंटा के लिए बंद कर दें, ठीक है। अब अगर आपको इमीडिएटली काम करना है कि नहीं अभी राइट नाउ इसको सिस्टम को सही करना है, ठंडा करना है रूम को, तो क्या करें, हॉट वाटर से उसको पहले आइस को अच्छा से मेल्ट कर दें, मेल्ट करने के बाद उसके बाद आप सिस्टम को ऑन करके देखें कि अब इसका प्रेशर कितना है, अब कितना प्रेशर दिखा रहा है, समझ गया ना। तो ऐसा ऐसा कभी कभी ये होता है कि आइस आ रहा है तो बहुत सारा रीजन हो सकता है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रेफ्रिजरेंट कम है, तो इस चीज को आप जरूर ख्याल रखें और उसके बाद गैस चार्ज करें पूरा सिस्टम सही तरीका से। अच्छा, आप लोग को ये मालूम होगा कि आइडियल प्रेशर या स्टैंडिंग प्रेशर हमेशा पूछ दिया जाता है क्लाइंट इंटरव्यू में या कहीं भी आप जाएंगे तो आपसे पूछ दिया जाएगा, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि आप जब नया यूनिट का काम करेंगे या कहीं भी यूनिट के पास जाएंगे तो उसका हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है कि उसका कितना प्रेशर है। अभी जैसे हमको क्या है कि मालूम नहीं है कि सिस्टम के अंदर कौन सा गैस डाला हुआ है, कौन सा रेफ्रिजरेंट डाला हुआ है, टैग हट गया है, सब कुछ हट गया है, तो उसको कैसे आप करेंगे कि इसके अंदर 134, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि इसमें 134 गैस है या 822 गैस है या 407 सी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, आइडियल प्रेशर। वो यूनिट बंद है, यूनिट बंद होने के बाद
और रनिंग कंडीशन में तो आइडियल प्रेशर, रनिंग कंडीशन में तो आप गैस मालूम ही नहीं कर सकते कि कौन सा रेफ्रिजरेंट इसमें अंदर डाला हुआ, क्यों हो सकता है गैस लीक होगा तो उसका प्रेशर कम दिखाएगा, गैस ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा दिखाएगा। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि नहीं इसमें 134 है या 122 है, उसके यूनिट बंद करके आइडियल प्रेशर देखना पड़ता है। आइडियल प्रेशर उसके लिए चेक करने के लिए एटमोस्फेयर का टेम्परेचर ले लीजिए, टेम्परेचर के हिसाब से उसको आप प्रेशर को देख सकते हैं। इस तरह से हमने एक बार फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं एक बार काम करने के लिए जब चिलर में गया था, तो आदमी को हर फर्स्ट टाइम में सब कुछ नॉलेज नहीं हो जाता है, धीरे धीरे क्या कहते हैं सीखने को आदमी को आता है। तो उसमें नया कंप्रेसर हमें इंस्टॉल करना था, नया चिलर हमें इंस्टॉल करना था, दूसरा फर्स्ट वाला चिलर जल गया था। तो दूसरा चिलर को जब हमें इंस्टॉल करने लगा तो उसके अंदर नाइट्रोजन का प्रेशर डाल करके और हमने होल्डिंग में उसको डाल दिया, होल्डिंग में छोड़ दिया। अब उसमें क्या किया कि नाइट्रोजन का प्रेशर हम लोग डाल के नया कंप्रेसर को इंस्टॉल करके और उसमें प्रेशर को होल्ड के लिए छोड़ दिया, मैं और एक मेरा दोस्त था, तो ऐसे हम लोग डाल करके छोड़ दिया। अब उस दिन जो अपना आउटर और उस दिन क्या है कि एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा डाउन था, समझ गए, थोड़ा सा मौसम जो है वो बारिश का जैसा ऐसा लग रहा था। तो हम लोगों ने प्रेशर डाल करके छोड़ दिया, क्योंकि 24 आवर्स के लिए बड़ा सिस्टम जब आप चिलर का काम करेंगे तो कम से कम एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड तौर तरीके के हिसाब से 24 आवर्स आपको लीक टेस्ट के लिए छोड़ना होगा। तो हम लोगों ने एक प्रेशर डाल करके होल्ड के लिए छोड़ दिया उसमें। नेक्स्ट डे जब हम लोग आए तो आने के बाद जितना हम लोग प्रेशर डाले थे उससे लगभग 10 PSIG के आसपास बढ़ गया प्रेशर। तो एक हिसाब से तो खुशी भी होगी, चलो लीक नहीं हुआ, प्रेशर बढ़ गया, लेकिन अब कंफ्यूजन ये उठा कि यार ये 10 PSIG बढ़ कैसे गया, पिक्चर भी हम लोग लिया, पिक्चर को मिला रहा है यार, पिक्चर तो सेम है, जितना हम लोग डाला था मान लीजिए 150 डाला था 150 ही होना चाहिए, 160 कैसे हो गया। तब सोचते सोचते माइंड में क्या आया कि नहीं, उस दिन बिफोर जो डे हम लोग काम किया उस दिन हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डाउन था, उस हिसाब से उस दिन गेज का हमको प्रेशर हम लोगों ने देखा, लेकिन आज जब हम लोग आए हैं तो आज धूप निकला हुआ है और आज का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो हाई है, तो इस टेम्परेचर पे हमारा जो प्रेशर है वो ज्यादा दिखा रहा है। तो ये आप लोग को हम बताएं इसलिए कि ऐसा आपके साथ भी कभी हो सकता है, या तो इस चीज को ध्यान में रखें। चलिए फिर, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो का लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, इस तरह का वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं आप लोगों के लिए। चले, और जो भी डाउट है, जो भी कुछ मतलब आपको सीखने का चाहत है, आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को बनाएं या अनदर दूसरे कोई टॉपिक को बनाएं, आप कमेंट्स करें और उसके ऊपर हम क्या कहते हैं वीडियो अपलोड करेंगे या आपको हम बताने का कोशिश करेंगे उस कमेंट्स में। चलें फिर, अपना ख्याल रखें।